देखिए ईवीएम बेचारी जो है वो नेशनल सियासी किलर्स से बची तो इंटरनेशनल सुपारी किलर्स के चंगुल में फंस गई है। अब एक तरफ नेशनल सियासी किलर्स से जब बची और उसके बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद जो है वो इंटरवल तक जो है वो लोगों ने खूब उसको एंजॉय किया, अपने जो भी जनादेश जनता ने दिया, तो कुछ दिन बाद सोचने के बाद जो है उन्होंने फिर इंटरनेशनल सुपारी किलर्स को इकट्ठा किया कि साहब इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई, इसके खिलाफ कुछ दुष्प्रचार करो। तो ईवीएम को हम कभी भी नहीं मानते कि ईवीएम जो है वो भगवान है, न ईवीएम को भगवान समझना चाहिए ना शैतान बनाना चाहिए। ईवीएम समय कई ऐसे वक्त आए हैं जब वो अग्नि परीक्षा में जांची परखी और खरी और पक्की साबित हुई है। एक वीवीपैट की बात आई थी और उसमें यह हुआ था कि जो मतदाता अपना मतदान करता है उस मतदाता को ये पता होना चाहिए कि उसका वोट कहाँ गया। और ये खाली बीजेपी ने नहीं उठाया था, उस वक्त मैं अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे प्रमोद महाजन जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रणव मुखर्जी साहब, हंसराज भारद्वाज साहब और भी पार्टीज के लोग, सभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी चुनाव आयोग में, और उसमें सबने कहा था कि वीवीपैट की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके बाद वीवीपैट की व्यवस्था भी मॉक उसकी पोलिंग और ड्रिल वगैरह अलग अलग जगहों पे हुई, सभी लोग गए और उसके बाद वीवीपैट आया।